नमस्कार मित्रों, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और राजनीति, चुनाव और नेताओं के बयान, इनके कहां तक जाने की संभावना रहती है, ये वोट देने वाले, राजनीति के बारे में बात करने वाले, उनके समर्थक, उनके फॉलोअर्स को भी शायद ना पता हो। और कई बार बयान हाइप बना देते हैं तो कई बार डाउन बना देते हैं, और ये अक्सर होता है राजनेताओं की जोश में दिए गए बयानों के बाद। ऐसा ही एक बयान कांतिलाल भूरिया का सामने आया, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं इस लोकसभा चुनाव में, और उनका बयान कुछ इस तरह का है जिसे सुन करके, जिसे देख करके कोई इसे मजाक समझेगा, लेकिन इतने बड़े नेता, इतने बड़े मंच से चुनाव के समय, जहां पर कि आपके बयान को, आपकी घोषणाओं को लोग गंभीरता से लें, इस गंभीर जगह पर इस तरह का बयान देना क्या कांतिलाल भूरिया के लिए मुसीबत बन सकता है, कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत बन सकता है, या उनका ये बयान किसी भी मायने में क्या जस्टिफाई किया जा सकता है, क्या उस पर सफाई दी जा सकती है कि आखिर दो बीवियों वालों को 2 लाख मिलेंगे ये बयान। क्योंकि नेता, कोई राजनेता जो किसी क्षेत्र का जनप्रतिनिधि बनने के लिए चुनावी मैदान में हो, उसकी बातों को लोग फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, और 2 शादियां या 2 बीवियों वालों को 2 लाख, ये बयान और ये बातें क्या राजनीति में कहीं स्टैंड करती हैं? और इस पर सफाई देने वालों ने बहुत सी बातें कही हैं, और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को घेरने का भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास भी किया है, इस पर बातचीत भी करेंगे। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान यहाँ पर आपसे कुछ ही देर में मौजूद होंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह के बयानों के मायने क्या हैं। और हमारे साथ मेहमानों के जोड़ने का सिलसिला जारी हो चुका है, और हमारे साथ दिनेश गुप्ता जी जुड़ गए हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपको, आवाज मिल पा रही? दिनेश जी नमस्कार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? दिनेश जी, हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जी जी जी, क्योंकि अभी दिनेश जी, अभी आपने हाल ही में बयान सुना होगा कांतिलाल भूरिया जी का, जो ये कह रहे हैं कि 2 बीवी वालों को 2 लाख मिलेंगे, डबल मुनाफा होगा, और ये बात कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसे कह करके जस्टिफाई कर रहे हैं कि एक बड़ी भयंकर ये घोषणा कर दी गई है। ये इस तरह के बयान क्या कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा मुसीबत है बनस्पत भारतीय जनता पार्टी के? नहीं, अब मुझे लगता है आशीष, इस बयान को जिस संदर्भ में, जिस तरीके से कहा गया है, उसी तरीके से समझना चाहिए। और कांग्रेस की जो 10 न्याय की बात होती है, उन गारंटियों से देखना चाहिए। आप 1 लाख रुपए की जो योजना है महिलाओं को देने की कांग्रेस की, वो क्या है? वो हर महिला को 1 लाख रुपए देने की बात है ना। यदि किसी की, मान लीजिए 3 पत्नियां हैं अपने यहाँ, तो वो देश है ना जिसमें, हाँ जिनके अपने यहाँ तो ये भी है ना कि लोगों को अधिकार है कि 3 पत्नी रख लें, बहुत सारे जो धर्म है जिनमें, तो उनको 3 लाख मिलेंगे, ऐसा कोई वो तो है नहीं, ये कंडीशन अप्लाइड तो है नहीं कांग्रेस पार्टी के जो घोषणा पत्र है। देखिए, जीतू पटवारी का एक जिस तरह से उन्होंने सरकास्टिक वे में उन्होंने कहा कि भयंकर घोषणा कर दी, मुझे लगता है कि वो जिस व्यक्ति ने जो घोषणा की है उससे उसका रेफरेंस समझे बगैर कि वो किस रेफरेंस में कह रहा है, वो यदि जो है महालक्ष्मी योजना के संदर्भ में कह रहा है तो वो सब पर ये लागू है ना। एक वो किसी की दूसरी पत्नी हो, पहली पत्नी हो, उन सबको इसका लाभ मिलेगा। तो मुझे लगता है उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से हटके बात कही हो। और जहां 2 पत्नी का विषय है, वो एक हो सकता है कि एक लीगल इशू हो, लेकिन हमारे यहाँ देखते ना आदिवासी कल्चर क्या है, जब बात होती है ना कि पर्सनल लॉ की जब बात होती है, तो ये विषय केवल अल्पसंख्यकों का विषय नहीं होता, पर्सनल लॉ पर जब बात होती है, यूसीसी की जब बात होती है, तो फिर आदिवासियों के अधिकार की भी बात होती है कि आधिकारिक आदिवासियों में इसका क्या मैसेज जाएगा, किस तरह से जाएगा, क्योंकि वहां भी बहुपत्नी प्रथा है, तो उसको भी जो है वहां उस इलाके में है, वहां भील भिलाला और इन सब में जो है हम झाबुआ में देखते हैं उस तरह की चीजें हैं, तो इसलिए यदि उसको उस तरह से हम समझे, ये तो सीमित क्षेत्र है, जो बड़ी जगह है या जो भारत का जो बहुतायत वाला क्षेत्र है वहां पर ऐसी कोई प्रथा नहीं है, और वो जो समय इतिहास में माइथोलॉजी में भले ही इस तरह की चर्चा होती हो, बहुपत्नी बहु ये प्रथा चली आ रही होगी, लेकिन आज जो संविधान, आज जो कानून हिंदू मैरिज एक्ट जो कहता है,
उन सब मामलों में तो एक ही पत्नी की प्रथा है और ये लॉयलिटी का एक प्रतीक भी है। बहरहाल मैं अब गुंजन चौकसे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है गुंजन जी आपका। चर्चा हम इसी बारे में कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के नेता हाल में जो कुछ बयान हम देख रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से, वो ज्यादा बड़ी मुसीबत कांग्रेस पार्टी के लिए है या भारतीय जनता पार्टी ज्यादा बड़ी मुसीबत कांग्रेस पार्टी के लिए, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। दिनेश गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम एक और मेहमान को एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो भी अब से कुछ ही देर में उम्मीद है कि हमारे साथ जुड़ जाएंगे, राम पांडे जी को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गुंजन जी। लेकिन आपने सुना होगा कि क्या कह रहे थे कांतिलाल भूरिया, क्या कह रहे थे उसके बाद हिंदू पटवारी, ये बयान कैसे देखते हैं आप? पॉलिटिकल राजनीति सब कुछ वही नहीं है, हम नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं और उसके साथ साथ मैं एक महिला हूँ, तो जो अपनी आज बात रखूंगी वो एक महिला के नाते पहले रखूंगी, उसे राजनीतिक मुद्दे के तौर पर ना देखा जाए। देखिए मेरा सबसे पहले सवाल है कांग्रेस से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व से कि अब आप ये कब बंद करेंगे? आपने जो सिलसिला महिला अपमान का शुरू रखा है इसे आप कब रोक लगाएंगे? कितने उदाहरण हमें पेश करने पड़ेंगे? कब तक आपको नहीं समझ में आएगी ये बात कि महिला एक सम्मान के नजरों से देखने वाली एक महिला होती है, नारी शक्ति की हम बात करते हैं, हम भारत में रहते हैं जहां कन्या पूजा की बात होती है, देवी शक्ति की बात होती है, लेकिन कांग्रेस के लिए महिला सिर्फ एक विषय की तरह लेते हैं, एक हास्य विषय की तरह। अब मैं आपको गिनाना शुरू करूंगी, बस मुझे 2 मिनट का समय चाहिए। शुरुआत करूंगी इनके शीर्ष नेतृत्व से। दिग्विजय सिंह जी के लिए महिलाएं क्या है? टंचमाल है। कमलनाथ जी के लिए महिलाएं क्या है? आइटम है। हमारी माननीय इमरती देवी जी के लिए ही आइटम शब्द का इस्तेमाल कमलनाथ जी ने किया था। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? क्या महिलाएं भी संघ में शॉर्ट्स पहनकर आएंगी? ये राहुल गांधी जी की सोच है। चौथा आपको एग्जाम्पल दूंगी, रणदीप सुरजेवाला जी क्या कहते हैं? हेमा मालिनी जैसी एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री और नेत्री के लिए कहते हैं कि एमपी एमएलए चाटने के लिए बनाए जाते हैं। हेमा मालिनी जैसी अभिनेत्री के लिए चाटने वाली का शब्द इस्तेमाल करते हैं। इनके अपने प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जिस तरह जीतू पटवारी जी ने इमरती देवी के लिए क्या कहा था, इनमें रस नहीं बचा है, ये महिलाओं में रस ढूंढते हैं। पांचवा एग्जांपल, सुप्रिया श्रीनाथ जी क्या कहती है? कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री अगर पॉलिटिक्स में आती है तो ये मंडी का भाव पूछती है। ये कितनी इनकी अनगिनत सोच, इनकी अपमानजनक टिप्पणी, ये कहां तक जाएगी, कब तक रुकेगी और किस निचले स्तर तक जाएगी? क्या इनके घर में महिलाएं नहीं है? इनकी महिलाओं से हम ये बात बोले कि इनमें रस खत्म हो गया है? क्या इनकी माताओं से, इनकी बहनों के लिए ये तो वही बात होगी, आंख के बदले आंख तो फिर पूरा विश्व अंधा। मैं बोला जाएगा राम जी आगे हमारे साथ। राम पांडे जी बहुत स्वागत है आपका। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा राम पांडे जी का भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। नमस्कार सर, आपको अगर आवाज मिल पा रही है तो चर्चा इस बारे में चल रही है। कांतिलाल भूरिया साहब का जो भी हाल में बयान आया, उन्होंने बड़े ही मजाकिया अंदाज में एक मंच से कहा, लेकिन क्या राम पांडे जी ये इस तरह के बयान एक कांतिलाल भूरिया जैसे व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी के इतने कद्दावर नेता हैं, मंच पर खड़े हैं और ऐसी जगह खड़े हैं जहां से कि आपकी बातों का लोग अनुसरण करें, आपकी बातों को गंभीरता से लें, ऐसे मंच से क्या इस तरह के लहजे में, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, इस तरह की बातें कहना लोगों में कोई भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करता? आप कैसे देखते हैं? क्या महिलाएं महंगाई से परेशान नहीं है क्या? क्या महिलाएं बेरोजगारी से परेशान नहीं है क्या? आज यदि 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलता तो उसमें 10 करोड़ महिलाओं को भी रोजगार मिलता, महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनती, उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधरती। क्या महिलाएं जो प्रधानमंत्री जी प्रचार करने जाते हैं प्रज्वल रेवन्ना का, उसके गले में भारतीय जनता पार्टी का पट्टा डालते हैं, पूर्व सांसद है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि इसको वोट दोगे तो मैं मजबूत बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मेरी ताकत बढ़ेगी, वो 400-500 महिलाओं का बलात्कारी है और बलात्कार करने के बाद महिलाओं का वीडियो बनाता है और उसके बाद भारत सरकार उसको भगा देती है, क्योंकि कोई भी सांसद यदि देश छोड़ता है तो उसको गृह मंत्रालय और भारत सरकार से परमिशन लेना होती है, उसकी बगैर परमिशन के सांसद देश नहीं छोड़ सकता है। आप राम जी, आपको मैं बीच में माफी से रोक रहा हूँ, ये आप अभी भूमिका बना रहे हैं, उस मुद्दे पर आएंगे,
या फिर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे। सवाल मेरा ये है कि दो महिलाओं की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो फिर पुरुषों की बात होगी ना। दो शादियां अगर पुरुष करेगा तो उसे 2 लाख शादी तो पुरुष से ही होगी महिला की। ये बयान किस तरह का है, ये इस बयान के क्या मायने हैं, क्या किस संदर्भ में ये बयान देगा, इस पे बताइए। फिर आपका जो भी राजनीतिक आक्षेप रहेगा उसको हम आगे भी चर्चा में जारी रखेंगे। पहला रिएक्शन आपका कांतिलाल भूरिया जी के बयान पे लेना चाहूंगा। जी, महंगाई इतनी है कि आदमी दो शादियां तो छोड़िए, एक शादी नहीं कर पा रहा है। गांव में चले जाइए, आधे लड़कों की शादियां नहीं हो रही है, कुंवारे पड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में जरूर कुछ लोगों ने दो शादियां की हैं, कैसे की हैं वो उनसे पूछना चाहिए। कांतिलाल जी को पता नहीं है, भूरिया साहब को ये बात नहीं मालूम? आप मुझे बता दीजिए, यदि आप ऐसे किसी आदमी को जानते हो जिसने 4 शादियां की हो। क्या सवाल कर रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं राम पांडे जी? आप क्यों, या आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं डिबेट बंद कर दूं सर, डिबेट बंद कर दूं, ये मुझे डिस्कनेक्ट कर दीजिए सर। मुझे ऐसी डिबेट पसंद नहीं है जब जिसमें डिस्टर्ब किया जाए। नहीं, मुझे यदि बीच में इंटरप्ट किया जाता है तो मुझे आप बाहर कर दीजिए। मैं चाहता हूँ आपसे सवाल पूछा जाए तो मैं जवाब दूं, बीजेपी से सवाल पूछा जाए तो बीजेपी जवाब दे। यदि एक दूसरे को इंटरफियर करते हैं तो मुझे आप बाहर कर दीजिए। जनता लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करना चाहती है, जनता चाहती है कि उनको जवाब का सवाल का जवाब मिले। अब पूछिए क्या पूछना है आपको, और उनसे पूछना है तो पहले उनसे पूछ लीजिए, उनकी इच्छा पूरी कर दीजिए। पहले उनसे आप सवाल कर लीजिए, सवाल कर लीजिए, फिर मुझसे पूछिए। मुझे बीच में टोकना टुकवाना पसंद नहीं है। पूछ लीजिए पहले उनसे, वो कुछ बोलना चाह रही है पहले उनसे पूछ लीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। मुझे टोक पसंद नहीं है बीच में, तो आप फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप उनसे पूछिए ना पहले। नहीं नहीं, आप सब आप भी डिबेट को खराब कर रहे हैं। बहुत अच्छा तरीका है आशीष जी, सवाल करने दीजिए उनको, उनको कंप्लीट करने दीजिए, बात का जवाब ना देने का। आप रुकिए, गुंजन जी सुनिए सुनिए, मैं बहुत आप फिर वो टोक रही हैं। आप उनसे कंप्लीट कीजिए ना, जब वो बोलना चाह रही हैं। आप एक महिला को नहीं बोलने दे रहे हैं, आप महिला का अपमान कर रहे हैं। एक महिला बीच में बोलना चाह रही है, आप महिला को टोक रहे हैं। एक महिला का आप अपमान कर रहे हैं, महिला का आप अपमान कर रहे हैं। वो महिला है, आप उस महिला का अपमान कर रहे हैं। आप उस महिला से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, उस महिला को बोलने का मौका नहीं दे रहे। आप महिला को बोलने का मौका नहीं दे रही है, ये तो बहुत गलत बात है। आप तो महिला का सम्मान कीजिए। सवालों से कैसे बचना है ये बड़ी बखूबी से सीख कर आए हैं। सुनिए सुनिए गुंजन जी सुनिए राम जी, एक भाई सीधा नहीं, नहीं पहले महिला से सवाल कीजिए सर, वो नहीं बोलने देंगी। आप उनका सम्मान कीजिए, वो महिला शक्ति है, उनका सम्मान कीजिए। आप पहले उनसे सवाल नहीं बोलने देंगी सर, और नहीं बोलने देंगी। मैंने आपसे बोल दिया ना, वो नहीं बोलने देंगी, वो नहीं बोलने देंगी, वो महिला शक्ति है। पहले आप उनसे सवाल पूछिए। क्या प्रवक्ता बैठे कांग्रेस में, हद है। सवाल कर रहे हैं, जवाब मैं इस महिला बचने के लिए महिला शक्ति से पूछिए। आप महिला का अपमान कर रहे हैं, आप महिला का अपमान कर रहे हैं। आप महिला को मौका नहीं दे रहे हैं बोलने का। आप एक महिला को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। आप महिला, एक भारतीय महिला को सम्मान पहले मिलना चाहिए, इसलिए पहले आप उनसे सवाल कीजिए। मेरा आपसे अनुरोध है, आशीष जी आप उनसे जवाब लीजिए। उनके पास पहले महिला से पूछिए, महिला पहले प्रधान होती है, महिला को सम्मान पहले दिया जाता है हमारे हिंदुस्तान में, इसलिए पहले महिला का सम्मान किया जाए। पुरुष का सम्मान होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। अब तो प्रश्न ले लूं मैं, वो अग्री है, वो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कह रही है, वो आप ले लीजिए। नहीं, पहले उनसे पूछिए। नहीं है सर, 4 बार टोक चुकी है, आप एक बार पूछ तो लीजिए, पूछ तो लीजिए उनसे एक बार। अरे पूछ तो लीजिए, फिर भी आपको मैंने इन्वाइट किया, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? आप गारंटी लेते हैं यदि वो उन्होंने टोका तो आप उनको बाहर कर देंगे? आप गारंटी लेते हैं? नहीं गारंटी तो सर, गारंटी नहीं तो फिर नहीं, नहीं नहीं ये नहीं चलेगा। आप गारंटी लेते हैं कि वो टोकेंगे नहीं, आप गारंटी लेते हैं कि वो टोकेंगे नहीं तो मैं आपका जवाब दूं। आप गारंटी लेते हैं कि वो टोकेंगे नहीं तो मैं जवाब दूं, नहीं तो आप उनसे पूछिए। आप मुद्दे पे नहीं आना चाह रहे तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं आप तो विपक्ष को सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप विपक्ष को नहीं सुनना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, मुझे ये पसंद नहीं है ना, जनता को पसंद है। जनता जवाब चाहती है, जनता चाहती है एक बोल रहा है तो दूसरा ना टोके। जनता ये चाहती है, जनता ये नहीं चाहती है कि हम लोग आपस में झगड़ा करें। ये कांग्रेस बीजेपी यहाँ आपस में एक दूसरे को ना बोलने दे, जनता ये नहीं चाहती है। जनता ये चाहती है बीजेपी बोले तो बीजेपी को सुने, कांग्रेस बोले तो कांग्रेस को सुना जाए। जनता ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती है।
वो इस बात से अग्री भी कर रहे हैं। अब आप मेरे एक छोटे से प्रश्न का जवाब, अरे सर आप पूछ लीजिए क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं आप, आपने आधा घंटा अपने चैनल का इंपोर्टेंट खराब कर रहे हैं। आप उनसे पूछिए ना सवाल, मैं बोल रहा हूँ आपको चैनल के एंकर से बात करने की तमीज नहीं है। देखिए मैडम आपसे कहा ना वो नहीं बोलने देगी, मैंने आपको बोला ना अभी भी वो इंटरफियर कर रही है, आपको कहा ना वो नहीं बोलने देंगी, आपको कहा ना अभी भी मेरी और आपकी बात चल रही है वो डिस्टर्ब कर रही है, मेरी आपकी बात को अभी भी वो डिस्टर्ब कर रही है, वही आपकी बात को अभी भी वो डिस्टर्ब कर रही है। आप उनसे पूछ लीजिए मतलब तीसरे बैठे हुए, आप उनसे पूछ लीजिए तो एक दिनेश गुप्ता जी बैठे तब तक उनसे बात कर लीजिए। फिर भी देखिए अभी आपने देखा ना, आप जब तक दिनेश गुप्ता जी से बात कर लीजिए, जब तक हम लोग झगड़ा कर रहे हैं तब तक दिनेश गुप्ता जी से पूछ लीजिए आप। नहीं आपका सर दिमाग किस लिए खराब हो रहा है मैं ये नहीं समझ पा रहा। आप लोगों ने कसम खा ली है विपक्ष को नहीं बोलने देना बस। मैं तो सर बोलने के लिए बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी को बोलने दीजिए, लोग देख रहे हैं सर। हाँ आप देख रहे हैं ना कि आप लोग विपक्ष को नहीं बोलने देते हैं। आप बोलिए तो क्या बोलूं ना, आपका सवाल आप जवाब ही नहीं सुनते, क्या बोलूं। मैंने कहा प्रज्वल रेवन्ना, मैंने कहा प्रज्वल रेवन्ना, आपने कहा नहीं, इस पर तो प्रधानमंत्री का अपमान हो जाएगा, आपने प्रज्वल रेवन्ना पर चुप करा दिया। 400-500 महिलाओं का बलात्कारी, आप इस बात पर जा रहे हैं किसने क्या बोला, 500 बलात्कारियों के प्रचार को प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आप एक सवाल नहीं पूछते हैं प्रधानमंत्री से, क्या किसी बलात्कारी का प्रचार करना प्रधानमंत्री को शोभा देता है? हमारे नेताओं ने तो क्या बहुत बोला, नहीं सुनेंगे ना आप, प्रधानमंत्री की बुराई नहीं सुन सकते आप, क्या साक्षी मलिक पूछ रहे हैं आप, उस पर जवाब आप नहीं सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे। उन्होंने कहा फलाने ने कहा ढिकाने ने कहा, आप पूरा समय खराब करेंगे, आप नहीं सुनेंगे, आप समय खराब करेंगे जनता का, जनता के सुनने के लिए। क्या प्रधानमंत्री को बलात्कारी का प्रचार करना चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 500 महिलाओं के बलात्कारी का प्रचार प्रधानमंत्री को करना चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। प्रधानमंत्री कहते हैं कि बलात्कारी को जिताओगे तब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, क्या इससे शर्मनाक बात क्या होगी? मंच से वहां प्रधानमंत्री मौजूद है, वहां बलात्कारी मौजूद है, वहां मीडिया मौजूद है, सबके सामने 500 महिलाओं के बलात्कारी को प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये बलात्कारी जीतेगा तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, इससे बड़ी शर्मनाक घटना क्या होगी? इसने कह दिया, उसने कह दिया, अरे हम जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि महिलाओं को महंगाई से मुक्ति मिले, उनको 8,500 रुपए महीना मिलेगा, 1,00,000 रुपए साल का मिलेगा तो इससे महिलाओं को फायदा नहीं होगा, 30,00,000 केंद्र में नौकरियां हैं, 15,00,000 नौकरियां महिलाओं को मिलेंगी तो इससे महिलाओं को फायदा नहीं होगा। मध्य प्रदेश में जो महिलाएं हैं, आशा है, उषा कार्यकर्ता है, अतिथि शिक्षक है, उनको परमानेंट किया जाएगा तो उससे महिलाओं को फायदा नहीं होगा। यदि 1,100-1,200 का सिलेंडर 400 में दिया जाएगा तो उससे क्या महिलाओं को फायदा नहीं होगा? महिलाओं को नौकरियां मिलेगी तो उससे महिलाओं को फायदा नहीं होगा। भाई नुकसान, कांग्रेस कुछ बोल दे तो नुकसान, यदि धर्मेंद्र दो अपनी पत्नियां रख ले और भारतीय जनता पार्टी का सांसद बन जाए तो अच्छा, स्मृति ईरानी का पति दो शादियां कर ले तो अच्छा, अनुपम खेर दो शादियां कर ले, किरण खेर दो शादियां कर ले तो अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी तो प्रमाण देती है वो संस्कार उसके क्या है, क्या उसका चरित्र है। हमारे नेता ने यदि कभी कुछ बोला है तो उसको मन गणत करके प्रचारित किया है। आप एक एक सवाल मुझसे पूछिए, इन्होंने बीजेपी की प्रवक्ता ने जो भी आरोप लगाए, आप एक आरोप का मुझसे सवाल पूछिए मैं आपको जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी, अब बताइए संदेश खाली के बारे में क्या कहा, ये आज दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, संदेश खाली पर पूरा भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला, उन महिलाओं को बर्बाद कर दिया, उन महिलाओं के साथ ये बोल दिया कि उनके साथ बलात्कार हुआ, वो महिलाएं कह रही हैं कि बलात्कार हमारे साथ नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने हमारी इमेज खराब कर दी, हमसे जबरदस्ती FIR कराई है, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, यदि दैनिक भास्कर गलत है तो उस पर मानहानि ठोकिए, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिंदी का अखबार है, यदि इसमें गलत है, बीजेपी छोटी छोटी बातों पर FIR करा देती है, दम है तो इस पर FIR कराइए दैनिक भास्कर पर, जो कह रहा है कि संदेश खाली में महिलाओं से झूठ बुलवाया गया और संदेश खाली पर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने पूरा तांडव मचा रखा है, इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी हर लाइन पर झूठ बोलती है। आप गहराई में जाएंगे तो हर लाइन पर झूठ बोलेंगी। अब बीजेपी की प्रवक्ता है, इनका तो टेप रिकॉर्डर चालू हो जाता है, आप किसी भी बीजेपी प्रवक्ता को देखना, मैंने कहा सर, मैंने कहा ना आप गारंटी नहीं ले सकते, मैंने कहा ना आपको
पर एक भारतीय नारी नहीं कर सकती, नहीं ले सकते क्योंकि इनका काम है टोकना। मैं डिबेट को छोड़ दूं क्या सर? मैंने कहा ना आपने कि ये लोग जब फंसते हैं, इन लोगों का नेतृत्व जब जनता के सामने आता है तब ये लोग इंटरप्ट करते हैं। इनके हिसाब से बस ये यहाँ आए, ये बकवास करें, ये निराधार बातें करें और इन्हें कोई टोके ना। अरे प्रज्वल रेवन्ना बलात्कारी का प्रचार क्यों करते हो? प्रज्वल रेवन्ना 500 महिलाओं के बलात्कारी का प्रचार क्यों करते हो? जवाब दीजिए। प्रज्वल रेवन्ना 500 महिलाओं का बलात्कारी 3000 वीडियो बनाता है, क्यों प्रचार करते हो आप उसका? जवाब दीजिए। प्रज्वल रेवन्ना को देश से क्यों भगाया? प्रज्वल रेवन्ना बलात्कारी का प्रचार क्यों करती है भारतीय जनता पार्टी? आप तो एक महिला है, आप तो प्रज्वल रेवन्ना के साथ है या बलात्कारी जिन महिलाओं के साथ है? आप ये बताइए, आप प्रज्वल रेवन्ना का भारतीय जनता पार्टी का प्रचार क्यों किया? साक्षी मलिक के साथ है या ब्रजभूषण के साथ है? आप बताइए, साक्षी मलिक के साथ है या ब्रजभूषण के साथ है? ब्रजभूषण क्यों जेल में नहीं है? साक्षी मलिक विनेश फोगाट क्यों परेशान है? आप बताइए, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की आपको क्या दिक्कत है? आप तो एक महिला हैं। आपको समझना पड़ेगा आप किस तरीके के प्रवक्ताओं के अपने चैनल पे डिबेट के लिए आमंत्रण देते हैं। साक्षी मलिक विनेश फोगाट आपकी बहन है, आप उनका बलात्कारी क्यों बाहर घूम रहा है? उनके साथ दुष्कर्म करने वाला बाहर क्यों घूम रहा है? वो क्यों जेल में नहीं है? आप जवाब दीजिए जी, ले लेंगे जवाब। साक्षी मलिक विनेश फोगाट तो आपकी बहन है ना, आप उनको उनको न्याय क्यों नहीं दिला रही हैं? आपने उनकी तो एफआईआर तक नहीं लिखी, हरियाणा पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तक नहीं लिखी। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ओलंपिक विजेता महिलाओं की एफआईआर लिखी जाती है और आप उन महिलाओं का विरोध करती हैं। अगर आप इस तरह डिबेट नहीं होती, आज राम पांडे जी बिल्कुल भी मूड में नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है उनके पास मर्यादित लोगों को अगर आप डिबेट पे बुलाएंगे तो साक्षी मलिक विनेश फोगाट के साथ गलत होता है, आप गलत का साथ देंगे। प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार करता है तो आप उसका साथ देंगे? प्रज्वल रेवन्ना के साथ आप लोग खड़े हुए डूब के मर जाना चाहिए, शर्म से आपको मर जाना चाहिए। एक बलात्कारी प्रज्वल रेवन्ना के साथ आप सब लोग खड़े हुए हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल ये सोच समझ में नहीं आई कि आखिर ऐसे नेता मंच पर खड़े होकर बोल कैसे देते हैं कि जी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बलात्कारी का समर्थन कर रहे हैं, ये कितनी गंदी बात है बताइए। प्रज्वल रेवन्ना एक बलात्कारी है, उसका उसके समर्थन में प्रधानमंत्री खड़े हैं, इससे घटिया सोच क्या हो सकती है बताइए मुझे आप। दिनेश गुप्ता जी, राजनीति में सर बोलिए आशीष, एक ऐसे मंच से जहां से हम किसी नेता से गंभीरता एक्सपेक्ट करते हैं, वो गंभीर बातें करेंगे, ऐसी बातें करेंगे जिससे कि जनता कम से कम उम्मीद बांधेगी कि अगली बार जिसकी भी सरकार आए या जो भी राजनेता मंच से बोला है, अगर वो वहां से मजाक या लहजे में कोई बात करता है तो क्या इसे उसी लहजे में लिया जाना उचित होता है, या फिर उस गंभीरता को समझना उस नेता के लिए राजनेता भी उतना ही आवश्यक है जितना जनता के लिए? नहीं देखिए, ये जो है आशीष, सबसे पहले यदि हम कोई डिबेट कर रहे हैं तो पहले हमारा भी कोई व्यू होता है। हम यदि कांतिलाल भूरिया का कोई बयान ये मान रहे हैं कि उन्होंने ये विवादास्पद और गलत बयान दिया है तो हमें ये बताना चाहिए कि ये गलत कैसे है। कोई भी प्रवक्ता हो, देखिए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये ट्रेंड हो गया है आजकल, जो डिबेट पर डिबेट नहीं करते, सब्जेक्ट पर डिबेट नहीं होती, और अनफॉर्चुनेटली हम भी उस चीज को परमिट करते हैं जिस पर जो अनवांटेड चीजें होती हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, तो गंभीरता तो रहती नहीं। यदि उन्होंने ये कहा है कि ये किसी की दो पत्नी है तो हम 2 लाख रुपए देंगे, तो पहली चीज तो ये होना चाहिए भाई कि हम आपका व्यू क्या है। एक व्यू हमारे सामने आ गया, हम जिस पर डिबेट कर रहे हैं उसमें हमारा व्यू क्या है? हमारा तो कोई व्यू है नहीं, हम दो प्रवक्ताओं को बिठा के बैठ बोल रहे हैं, अब दो प्रवक्ताओं के बीच में जर्नलिस्ट क्या करेगा? आपकी इतना अपना टाइम उसके पास टाइम इतना वेस्ट करने के लिए नहीं होता, ये एक अनवांटेड चीज पर वो उसको सुनता रहे। मुझे लगता है कि इस तरह की डिबेट में कभी जर्नलिस्ट को नहीं बुलाना चाहिए। आप नेताओं को बढ़िया आराम से मुर्गे लड़ाइए, आप इतनी देर की बहस में आपने 25 मिनट की, क्या नतीजा निकला आपका? भाई मैं जो कोई एक स्टैंड होता है भाई, आप बताइए टेक्निकली कि उसने उन्होंने ये कहा कि दो पत्नी है तो 2 लाख रुपए देंगे, तो क्या गलत कहा? सबसे पहले तो ये बताइए आप, और दूसरा फिर बताइए जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, महा उनकी लक्ष्मी योजना है, उसमें 1 लाख रुपए हर महिला को देने की बात है, तो क्या जो दूसरी पत्नी उसको आप महिला नहीं मानेंगे? उसको क्या मानेंगे, नेता गलत है या महिला गलत है? एक बयान है, उन्होंने कोई बयान दिया है तो क्या वो बयान उनका आप मान रहे हो कि जो वहां का कल्चर है उसके हिसाब से बयान नहीं है, या जो बयान है किस कारण से गलत? हम कोई भी चीज कहते थे ये विवादास्पद बयान दे दिया है ना, तो मुझे लगता है पहले व्यू बनाना चाहिए। राम पांडे जी तो बात ही नहीं करना चाह रहे इस पर, आप अपनी कंक्लूजन रखिए क्योंकि समय इशारा कर रहा है बहुत ज्यादा लंबा, हम इसे और नहीं ले जा सकते। दिनेश जी को भी लग रहा है वो भी सही,
कह रहे हैं, और राम पांडे जी तो खैर बात ही नहीं करना चाहते इस बारे में। मैंने तो शुरू में ही कहा था महंगाई से परेशान है तो महिलाओं को मिलना चाहिए 1,00,000 रुपए, शुरुआत ही महंगाई से हुई थी। आपने सुना नहीं, मेरी शुरुआत ही इस शब्द से हुई थी कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति खराब है, उनको मिलना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत मैंने आपको ना दिनेश गुप्ता जी की बात से मैं सहमत हूँ कि जब आप डिबेट के लिए बुलाए तो थोड़ा सोच समझ कर बुलाए कि किस तरीके से बिल्कुल बहुत सोच समझने की जरूरत है। मुद्दों पर बात करने वाले को बुलाना चाहिए, नहीं चाहते मुद्दों पर बात करने वाले को बुलाना चाहिए, और जो सवाल पूछने की जिसमें ताकत हो उसको ही बुलाना चाहिए, वरना भैंसों को नहीं बुलाना चाहिए जो महिलाओं के दुश्मन है, जो महंगाई को बढ़ाने बढ़ावा देते हैं सबको नहीं बुलाना चाहिए, जो लोगों को रोजगार देते हैं सबको नहीं बुलाना चाहिए, जो साक्षी मनीष कुमार के विरोधी है उनको नहीं बुलाना चाहिए, जो प्रज्वल रेवन्ना के साथ खड़े उनको नहीं बुलाना चाहिए। राम पांडे जी एक व्यक्ति एक बार बोले, आप सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए जी। अच्छा मतलब वो मुझे इंटरफियर करे तो आपको बर्दाश्त हो जाता है, नहीं कर दूं तो आपको बर्दाश्त नहीं होता है। बड़ी अजीब बात है ये, आप पूछिए ना प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार क्यों किया प्रधानमंत्री ने, आप पूछिए तो सही। दिनेश गुप्ता जी ने सारी बात स्पष्ट कर दी है, दिनेश गुप्ता जी ने सारी बात डिबेट का कंक्लूजन उन्होंने बोल दिया है, दिनेश गुप्ता जी ने सारा कंक्लूजन बोल दिया है कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। दिनेश गुप्ता जी ने कहा है महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरना चाहिए, महिलाओं को 1,00,000 मिलना चाहिए, महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए, महिलाओं को स्वतंत्रता मिलना चाहिए, महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए, नगरीय निकाय में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया, पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया, महिलाओं की समर्थन है, महिलाओं का सम्मान चाहते हैं, महिलाएं पुरुषों से आगे बढ़े हम चाहते हैं। राम पांडे जी आपका भी समय खराब करने के लिए, क्योंकि आप आज बिल्कुल भी मूड में नहीं है, आपके पास बातें नहीं है करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए।